आलिया जी, हमने आपके आने से पहले सुनील जी को भी पूछा कि कल पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन था, लेकिन आप एंड मैडम वोट नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग के पास एनपीसी नहीं। सो इस बात का मलाल होता है कि मलाल वोट नहीं, मेरे को समझाओ मीनिंग क्या है। दुख, अफसोस, अफसोस। आई मीन इट्स अ कैच 22, या बट yeah, no, we would like to vote. We would of course love to vote, but ek situation hai technically jo abhi filhal possible nahi hai. Hopefully maybe in the future there could be a dual citizenship or whatever, usme se shayad kuch ho sake. But I'm very glad that everybody went out in such big numbers and voted. Not in Mumbai though. No, compared to the rest of the world. Mumbai didn't go? 50%, I think thoda. But no, हाँ, महाराष्ट्र के इंटीरियर में ज़्यादा वोटिंग दी थी, हमारे जो स्मॉल टाउन्स हैं और विलेजेस से लोग ज़्यादा गए थे। शहर में लोग चिल्लाते हैं, बहुत हैं, और बाकी काम ट्विटर पे कर देते हैं। ओके, आलिया जी के साथ में गाना भी आज रिलीज हो गया है, हुकअप सॉन्ग की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, किस तरीके का रिस्पॉन्स? सर आपने देखा और मैडम? हाँ, देख लिया मैं। मैं सिर्फ योर्स ट्रूली की बात करूंगा आज, और कुछ नहीं। योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली, संजय, 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 सोनी, सोनी, सोनी। जब इन्होंने बोल दिया तो मैं क्या बोलूं? नो, बट डेफिनेटली इट वाज, इट्स अ रियली फन सॉन्ग एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग विद टाइगर, और आई एम जस्ट अभी तक तो आई थिंक पॉजिटिव ही है, सो आई एम जस्ट होपिंग पीपल एंजॉय द सॉन्ग, इट्स अ रियली फन सॉन्ग। आज ऑनियर हो चुका है और हमने सुना कि आपने पूरी फिल्म देख ली है। जी, मैंने पूरी फिल्म देख ली है। मैंने एक्चुअली बहुत टाइम पहले ये फिल्म देखी थी, और फिर मैं कोलकाता भी गई थी फेस्टिवल के लिए, जब वहाँ पे स्क्रीनिंग हुई थी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी फिल्म, बहुत ही अनयूजुअल कहानी है, बहुत ही सिंपल, स्वीट और इंटरेस्टिंग, यूनिक कहानी है। एंड इट्स द फर्स्ट टाइम एक्चुअली आई एम सीइंग माई मदर लाइक दिस इन सच अ एक्सटेंसिव लॉन्ग पार्ट, आई थिंक आफ्टर रियली लॉन्ग टाइम। और मैंने इनको बोला भी, थैंक यू भी बोला था, क्योंकि मैंने बोला कि आप, यू नो, थैंक यू फॉर गिविंग माई मदर दिस फिल्म, बिकॉज मेरा मानना है शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्टर्स वी सीन लाइक इन द कंट्री, एंड आई जेन्यूनली बिलीव दैट, एंड टू सी हर लाइक दिस सो एक्सटेंसिवली मेक्स मी फील सो हैप्पी। और मैंने अपने पापा को भी बोला था कि आई फील लाइक आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हर, विदाउट रियली नोइंग इट। वो अननेचुरली हो गया है, जो वो बहुत कुछ करती है स्क्रीन पे, मैं भी करती हूँ व्हेन शी इज लाइक सिटिंग, खास करके जब वो साइलेंट होती है। या स्क्रीन पे हमने मॉम डैड को साथ में देखा। ऐसी कोई, हम सर आपसे भी जानना, ऐसी कोई फिल्म देखेंगे जहाँ पे मॉम डैड एंड यू साथ में ऐसे कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ? सर आप तो वो तो मतलब डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा। ये फ्रेम जो है अपने आप में संपूर्ण है, अब ये लम्हा ही अपने आप में कमाल का लम्हा है कि हम तीनों खड़े हैं और फिल्में बनती रहती हैं। ये असलियत का सवाल ले लीजिए। That's true. ओके, मैम, मेरा सवाल आपसे है, काफ़ी अलग तरीके की फिल्में आप चुनती हैं, अगर आपकी फिल्मों की अगर बात करिए, जिस तरीके से रिसेंटली हमने देखी नो फादर्स इन कश्मीर एंड नाउ इस वक्त, तो क्या आप मत सोचती हैं कोई फिल्म चुनने से पहले? मैं फिल्म नहीं चुनती, फिल्म मुझे चुने। सो मैं बस ये सोचती हूँ कि मुझे एक अच्छा रोल मिल जाए, मैं खुश हो जाऊँगी, और मैं खुश हो जाती हूँ उसके साथ, उससे, और कुछ करने को मिलेगा और उस रोल में, तो मैं खुश हो जाती हूँ। तो ये मेरी राय।